हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जवन और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक स्कॉमेट आइटम्स का वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्कॉमेट आइटम्स क्या होता है, कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं और आप स्कॉमेट आइटम्स को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं स्कॉमेट आइटम्स क्या होता है। स्कॉमेट आइटम्स में आपके आ जाते हैं स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी। इसमें अगर आप डील करने जा रहे हो तो आपको DGFT से स्पेशल ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा, यानी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको साफ भाषा में मैं कहूं तो कोई भी स्कॉमेट आइटम्स को आसानी से एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको स्पेशल DGFT से ऑथराइजेशन लेटर लेना ही पड़ेगा। अब DGFT ने इन स्कॉमेट आइटम्स को टोटल 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, तो वो लिस्ट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो इस लिस्ट को आप जरूर देखिएगा और समझिएगा कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने स्कॉमेट आइटम्स लिस्ट आपके सामने शेयर कर दी है, तो इसमें आप देख रहे हैं कैटेगरी है, आइटम्स है, कैटेगरी 0 से 8 तक डिवाइड की गई है और इसमें आइटम्स जैसे कि न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर रिलेटेड एंड अदर मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, टॉक्सिक केमिकल्स, अदर केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मटेरियल प्रूफिंग इक्विपमेंट्स और भी बहुत तरह के प्रोडक्ट्स इसमें हैं। जैसे कि आप कैटेगरी नंबर 8 की तरफ अगर देखिए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम आ गए, सेंसर्स, लेजर्स, नेविगेशन, एरोस्पेस, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है स्कॉमेट आइटम्स में आते हैं जिसको हर कोई आसानी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि आप जो है ढंग से उसको चेक कर सके कि स्कॉमेट आइटम्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं और अगर आपका कोई प्लान हो इन प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि स्कॉमेट आइटम्स में आते हैं। अब बात करते हैं कि स्कॉमेट आइटम्स एक्सपोर्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस देना पड़ेगा। सेकेंड, आपके पास जो है बायर का परचेज ऑर्डर होना बहुत जरूरी है जिस भी बायर को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तीसरा, आपको DGFT में एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको ANF-2E कहा जाता है। वो भरने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है DGFT में सबमिट करा देने हैं और उसके बाद DGFT की एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ही वो आपको परमिशन देगा कि आप स्कॉमेट आइटम्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों ये था स्कॉमेट आइटम्स। आप अगर इनको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इसमें इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्कॉमेट आइटम्स का ऑथराइजेशन लेटर आपको दिया जाएगा इसकी वैलिडिटी 24 महीने यानी कि 2 साल तक वैलिड है। तो 2 साल के अंदर आप एक्सपोर्ट अगर करते हो तो ये वैलिड रहेगा, उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। नहीं तो 2 साल बाद अगर आपको दोबारा से एक्सपोर्ट करना है स्कॉमेट आइटम्स में तो आप इसको रिन्यू भी करा सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप गलती से भी एक्सपोर्ट कर देते हो स्कॉमेट आइटम्स को बिना नॉलेज के, बिना ठीक से सारी चीजों को समझे हुए, तो आपको बहुत ही भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब वो भारी पेनल्टी किस रूप में है, अगर मैं कहूं आपने अगर जितना भी माल एक्सपोर्ट किया है तो FOB वैल्यू का 5 गुना आपको पेनल्टी देना पड़ेगा और अगर आप पेनल्टी नहीं दे पाए तो आपको 5 साल की जेल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको बार बार कहा जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़े स्केल का बिजनेस है। ये बात अलग है कि छोटे स्केल से भी आज की डेट में उसको शुरू किया जा सकता है, लेकिन सोच समझ के सीख के आप इस बिजनेस में एंटर करिए, नहीं तो आपकी एक गलती आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप हमारा लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम घर बैठे बैठे ही ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नुकसान ना खाएं और अपने बिजनेस को आसानी से अच्छे स्केल तक पहुंचा सके। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।